हेलो एवरीवन, इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन टू गिट एंड गिटहब देखा, जिसमें हमने देखा कि गिट गिट बैश और गिटहब क्या है, डाउनलोड और इंस्टॉल किया गिट को, उसके साथ उसे कॉन्फ़िगर किया और कुछ बेसिक कमांड्स भी देखे। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक कमांड की, जो कि है गिट इनिट। गिट इनिट कमांड बेसिकली करती क्या है, इनिशलाइज कर देती है एक एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ गिट इनिट, तो आपका लिख के आ गया इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी इन दिस डायरेक्टरी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसका जो जितना भी डेटा है वो सर्वर पे होता है, उसको एक रिपॉजिटरी को अपनी लोकल विंडोज़ में पाने के लिए हम दो प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं, पहला है क्लोनिंग और दूसरा है गिट इनिट। क्लोनिंग में क्या होता है कि पूरा डेटा आपका सर्वर से कॉपी होता है, कंप्लीट डेटा आपका सर्वर से कॉपी होता है, और गिट इनिट कमांड को क्या करते हैं, हम मैनुअली डेटा को स्टार्टिंग से कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं क्लोनिंग और गिट इनिट कमांड में। एज अ प्रोग्रामर, एज अ बिगनर, हम हमेशा गिट इनिट कमांड को ही यूज़ करेंगे, और क्लोनिंग पे जैसे जैसे हमारी गिट के साथ प्रैक्टिस ऑफ फैमिलैरिटी बढ़ेगी हम आगे चल के क्लोनिंग प्रोसेस को यूज़ करेंगे। सो गिट इनिट कमांड बेसिकली करती क्या है कि लेट से आपके पास कोई जैसे विंडोज़ में नया फोल्डर है, उसमें आप विंडोज़ की फाइल्स को स्टोर करते हैं, ठीक उसी तरह से उसमें सारे विंडोज़ के एक्शंस जो हैं हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन गिट इनिट कमांड के केस में क्या होता है कि जैसे आपका गिट है, अगर उसमें आप सीधा कोई भी कमांड चलाएंगे तो वो आपको बार बार एरे डिस्प्ले करेगा। गिट की कमांड्स को यूज़ करने के लिए एक स्पेशल गिट की रिपॉजिटरी चाहिए जिसमें कि गिट की सारी कमांड्स चलें, तो उसके लिए हम गिट इनिट कमांड का यूज़ करके पहले अपने फोल्डर को गिट रिपॉजिटरी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक और कमांड लिखूँ ls -lrt, तो ये क्या करेगी, मेरी सारी हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स को लिस्ट कर देगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी मेरी हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं मेरी डायरेक्टरी में वो लिस्ट हो गए हैं, और पर्पल कलर से जो डिस्प्ले हो रहा है वो हमारे हिडन फोल्डर्स हैं। सो गिट जो है आपका जितनी भी आपकी फाइल्स को टैग करता है, रिकॉर्ड करता है, उसी के साथ साथ चेंजेस को सेव भी करता है, वो एक हिडन फोल्डर में करता है जिसका नाम .git है। इस फोल्डर के अंदर ही आपके सारे चेंजेस जो हैं वो सेव होते हैं और ये हिडन होते हैं। सो रैप अप करते हुए, गिट इनिट का मतलब ये हुआ कि आपको अगर कोई भी गिट की कमांड यूज़ करनी है गिट बैश टर्मिनल में, तो आपको इस कमांड को सबसे पहले रन करना होगा। जैसे ही आप अपना गिट बैश टर्मिनल ओपन करते हैं, सबसे पहले आप अपना नेम और ईमेल कॉन्फ़िगर कर देते हैं। एक बार आपने नेम और ईमेल अपना गिट को बता दिया, उसके बाद जो पहली कमांड यूज़ होती है वो यही होती है गिट इनिट। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने जो एक एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी को इनिशियलाइज कर देते हैं, यानी एक ऐसी रिपॉजिटरी क्रिएट कर देते हैं जिसमें कि गिट की कमांड्स हम इजीली यूज़ कर सकें। जितनी भी गिट की कमांड्स हैं वो इस रिपॉजिटरी में आप यूज़ हो सकते हैं। थैंक यू।